हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल टू। और मैं प्रतिमा, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लाइफ में पहली बार सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ केदारनाथ धाम की यात्रा करके। तो अभी फ़िलहाल मैं बांद्रा में हूँ और मैं अभी ट्रेन में बैठ गई हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगी दिल्ली रोहिला, दिल्ली रोहिला से बाय ऑटो या फिर जो भी कुछ व्हीकल हमें पॉसिबल होगा उससे हम लोग जाएंगे दिल्ली। वहाँ पर एक बड़े से ग्रुप को हम लोग ज्वाइन होने वाले हैं और उसके बाद मैं जाऊंगी वहाँ से हरिद्वार। तो अभी ये जो यात्रा है ना, मैं आपको पार्ट पार्ट में दिखाऊंगी और केदारनाथ धाम की यात्रा मैं आपको अंतिम में दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ हम करते हैं केदारनाथ की यात्रा और अभी मैं जा रही हूँ दिल्ली रोहिला। तो अभी मेरे साथ है आकाश। मैं इस ट्रिप पर सोलो आई हूँ और ये भी सोलो आया है। तो हमारा जो टूर गाइड है उसने मुझे कहा कि आप आकाश से कांटेक्ट कर लो। तो मुंबई से लेकर यहाँ तक ये मेरे साथ ही आया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अकेली इतनी दूर पहली बार जा रही हूँ, तो इसने मुझे बड़ी हेल्प की। थैंक यू। सो गाइज, आप देख सकते हैं इतना बड़ा रूम है और एक रूम में चार लोग ऐसे डिवाइड होने वाले हैं अभी यहाँ पर। तो अभी हम लोग छह लोग पहले पहुँच गए, बाकी के जो पूरा ग्रुप है वो बाद में आने वाला है। तो उन्होंने बोला कि आप सेटल हो जाओ, जितने भी लोग पहुँच गए वो सेटल हो जाओ, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाओ। तो अभी मैं इस रूम में हूँ और मैंने सोचा कि रूम पूरा मैस होने से पहले ही आपको रूम टूर दे देती हूँ। तो बड़ा अच्छा खासा रूम है और बाहर से ये जो विंडो है वहाँ से व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल आ रहा है। तो सामने जय माता दी ऐसे लिखा हुआ है, शायद देवी का मंदिर होगा। तो बस मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और यहाँ से बादल भी बड़े ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, नज़ारे बहुत अमेजिंग है। और शायद आज हमारा प्लान ऐसे होगा कि हम शाम को, अगर पूरा ग्रुप आता है तो हम शाम को हरि की पौड़ी विजिट करने जाएंगे। तो लेट्स सी अभी कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो अभी मैं फटाफट फ्रेश हो जाती हूँ ताकि बाकी लोग आने से पहले मैं तैयार हो जाऊँगी। बाय बाय।
भर की पौड़ी, लेकिन आज हमें आरती नहीं मिली है माँ गंगे की, तो हम कल सुबह आएंगे और आरती अटेंड करेंगे, ऐसा प्लान है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। तो कल रात को हमें गंगा आरती अटेंड करने का मौका नहीं मिला, इसलिए सुबह 3 बजे उठकर, अभी बजे है 4 और हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती अटेंड करने। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गंगा आरती। हर हर गंगे। कल रात को पानी बहुत कम था गंगा जी का, आप अभी देख सकते हैं बहुत ज्यादा पानी है और हमें बस यही व्यू एंजॉय करना था और अभी हमें आरती भी अटेंड कर दी है। चलिए तो अभी सुबह का कुछ 5 बजे का समय हुआ है और मेरे राइट हैंड साइड में अभी गंगा जी की आरती शुरू होगी, तो आरती से पहले ही हम लोग आए हैं ताकि हम लोग अच्छे से आरती अटेंड कर सके। चलिए जय जय देवी, जय
जय जग जननी, जय जय सरस्वती माई, जय जय देवी, जय जग जननी, जय जय सरस्वती माई, जय जय देवी, जय जग जननी, जय जय सरस्वती। जय जय भवानी, जय शर्वानी, जय जय भवानी, जय शर्वानी, जय त्रिभुवन सुखदायिनी, जय जय भवानी, जय शर्वानी, जय त्रिभुवन सुखदायिनी, तेरे फ्रेंड्स। गंगा माँ की आरती अटेंड करके हम लोग होटल रूम अभी वापस आ गए हैं, तो मैं आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में। अभी यहाँ से आगे हमारा गुप्तकाशी जाने का प्लान है, तो वो आप अगले व्लॉग में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट में जय माँ गंगे लिख देना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय माँ गंगे।